हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु कथा का दूसरा पार्ट, मुस्कुराती चोट। मुस्कुराती चोट, आप इस शब्द को सुनकर आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो लघु कथा है इस किस बारे में हो सकती है। मुस्कुराती चोट, इसमें दोनों अर्थों का जो अर्थ मतलब है वो अलग अलग है। मुस्कुराना मतलब आप बहुत खुशी रहना, चोट यानी आपको कोई दर्द होना, आपको कोई तकलीफ होना। ये दोनों का आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। मुस्कुराती चोट यानी आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं परंतु आप अंदर से बहुत ही घायल हैं, आप अंदर से बहुत ही परेशान हैं, इसका मतलब ये होता है। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। घर में बाबा बीमार थे, उसकी दवाई राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ चार घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। इसमें एक बच्चे की जो व्यथा है, जो उसका दुख दर्द है, उसको इसमें बताने की कोशिश की गई है। किस प्रकार यदि घर में कोई एक व्यक्ति हो कमाने वाला, यदि वही व्यक्ति बीमार हो जाए तो इससे बड़ी कोई बुरी बात, इससे चिंता वाली बात कोई हो नहीं सकती। इसी तरह जो उसके जो पिताजी थे यानी जो बाबा थे वह बीमार हो गए थे, और जिस कारण उनकी जो माँ थी उन्हें घर में जाकर, दूसरों के घर में जाकर चौका बर्तन करना पड़ता था, और इसके कारण ही जो बबलू था उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर रद्दी तोलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। और आपने सुना होगा कि जो बड़े घर होते हैं यानी ऐसे बहुत से घर होते हैं कि जो बच्चे का अगर क्लास खत्म हो जाए, यदि बच्चा 10वीं 8वीं 9वीं पढ़कर यदि बच्चे का अगर खत्म हो जाए क्लास, यदि वो अगले क्लास में जाने वाला रहता है तो जो उसकी बच्चे की किताबें होती है, जितना वो पूरे साल उसने बच्चे ने पढ़ी होती है, माता पिता उस किताबों को रद्दी वाले को भेज देते हैं, परंतु उसका जो मूल्य है वह नहीं समझते। परंतु जो उसका मूल्य था वह बबलू को पता था क्योंकि जो उसकी पढ़ाई थी वह छूट गई थी। इसी तरह वह घर घर जाके जब रद्दी इकट्ठा कर रहा था तब उसकी जो नज़र थी किताबों पर पड़ी। वह चाहता था कि वह किताबें उसे मिल जाए और वह पढ़ाई कर सके। स्कूल नहीं जाता हूँ, अजीब है, तेरे माँ बाप तो तुझसे काम कराते हैं, घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नजर जमाए कहा। तभी उसकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, माँ बाल मजदूरी तो अपराध है ना? हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना, बबलू को बुरा लगा, उससे अपशब्द सहे नहीं गए। यानी जो बबलू था गरीब था परंतु पढ़ने की लालसा रखता था और समझदार भी था, परंतु जो जिसके घर पे वो रद्दी लेने गया था उन्होंने उनकी बेइज्जती की। वह कहने लगी कि बाल मजदूरी तो अच्छी बात नहीं है, और वह जो इस बात पर जो उसकी जो रद्दी दे रही थी मालकिन, वह कहने लगी कि जो इसके माँ बाप है अनपढ़ होंगे, इसीलिए अवश्य ही इसे ऐसा करना पड़ रहा था। परंतु उसके माँ बाप का जो हालात थे, घर की कंडीशन थी, वह किसी को पता नहीं थी क्योंकि जो उसके पिताजी वो बीमार थे और उसकी माँ इधर उधर काम करके थोड़े बहुत पैसे जमा करती थी। इसी कारण जो बबलू था उसे भी काम करना पड़ा था। और ये सब सुन के जो बबलू था वह बहुत ही दुखी हुआ और ये सब उसे सहा नहीं गया। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेस माँ, पर उसके पास किताबों के लिए पैसे न थे इसलिए पढ़ाई रुक गई। यानी जो वो कहता है कि स्कूल तो पप्पा ने भेजा था परंतु ऐसी जो कंडीशन आ गई जिस कारण घर में पैसे नहीं थे और मेरी पढ़ाई रुक गई। माँ इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएगी, वह इससे अपनी पढ़ाई कर लेगा। और जो उनकी लड़की थी यानी जो एक कहने लगी कि माँ आप इन्हें किताबें ऐसे ही दे दो, ये इन्हें पढ़ेंगे और इनके काम आ जाएगी। कुछ नहीं होता इससे, हम फ्री में देंगे तो यह रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़े में उड़ा देगा, इसके बस का नहीं है पढ़ना। यानी जो उसकी माँ थी वो चाहती थी कि इसे कोई भी चीज़ फ्री में ना दिया जाए, वो जितने भी रद्दी के पैसे होते हैं वह उससे पूरा लिया जाए। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठा सीधा घर पहुंचा। उसने बोरे में से किताबें निकालकर अलग रख दी, फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर के दुकानदार के पास पहुंचा।
दुकानदार ने जो रद्दी थी उसे तोला और एक किनारे रख दिया। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास ऐसा? जो दुकानदार था उसने पूछा। जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। बबलू सिर झुका खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा पर बबलू टस से मस ना हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा। यानी जो दुकानदार था वो अपने पैसों का हिसाब लेना चाहता था कि इसने जो किताब के पैसे थे उसने वो किताब के पैसे तो दे दिए थे, परंतु जो किताब थी वह रद्दी वाले को नहीं दी थी, उसे अपने पास पढ़ने के लिए निकाल लिया था। वही दुकानदार उससे पूछना चाहता था कि तेरे पास इसके जो पैसे हैं वो तो बचे होंगे, परंतु वह कुछ उससे बोल नहीं पा रहा था और चुपचाप खड़ा था, जिस कारण जो दुकानदार था बार बार बोलने पर भी उसका उत्तर ना मिलने के कारण वो बहुत गुस्सा और चिचिड़ा सा हो गया था। अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं, रुपए खर्च हो गए सेठ, ऐसा उसने कहा। क्या पैसे थे तो खर्च कर दिए? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्कुरा रहा था। अब वह स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। यानी कितना भी उसे डांट खाना पड़ा परंतु उसने डांट खाया और जो किताब रखने की बात थी उसने कभी स्वीकार नहीं की। वह इस बात से खुश था कि उसके पास अभी किताबें हैं, वह अभी आम बच्चों की तरह स्कूल जा सकेगा और आगे की पढ़ाई कर पाएगा, और यह सोचकर वह घर लौट आया। पुस्तक लेकर घर से आते हुए रास्ते में वह सुबह वाली मालकिन और उसकी लड़की मिल गई। और जब वो रिटर्न आ रहा था दुकानदार के पास से, तब जो वही जिन्होंने उसे वो रद्दी रद्दी बेची थी, यानी उसके साथ जो किताबें बेची थी उसमें भी वो जो मालकिन थे और जो उनकी लड़की थी वह रास्ते में उन्हें मिल गए। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन ने आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसे सुबह कहे हुए अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध बोध हो गया। यानी जिस प्रकार मालकिन ने कहा था कि ये क्या पढ़ेगा, ये तो जाके इसे बेच देगा और कुछ चाय पकौड़े खा लेगा, इस बात से वह लड़का बहुत ही दुखी हो गया था। परंतु जो मालकिन थी उसे कब एहसास हुआ, जब वो दुकानदार के दुकान से जब रद्दी बेचकर किताबों को न बेचते हुए उन्हें न देते हुए वह उन्हें अपने पास लेके आ रहा था पढ़ाई करने के लिए, ये देख के जो उसकी मालकिन थी ये देख के बहुत ही आश्चर्य हो गए, और जो जो उसने अपशब्द बोले थे उस पर उसे अपराध यानी बहुत ही लज्जा महसूस होने लगी। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वह उठाएगी। यानी जो उसकी पढ़ाई की चाहत देखकर वह मालकिन थी जो रद्दी वाली जिसने उसे भंगार रद्दी बेचा था, उसने उसे देखा और बच्चे की जो लालसा है उसे देखकर वो बहुत खुश हो गई, और यह देखकर उसने निश्चय किया कि अभी ये जो बबलू जितना चाहे पढ़े मैं इसे पढ़ाऊंगी। बबलू की खुशी का ठिकाना ना रहा, और ये सुनकर जो बबलू था वो भी बहुत खुश हो गया कि मैं भी अब पढ़ूंगा। इसमें कुछ शब्द हैं, देहरी यानी दहलीज, तरबतर यानी गीला भीगा, क्रियस्काय यानी दुबला पतला शरीर, बेरहमी यानी निर्दयता, दयाहीनता, ये सब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।